जदो खूबसूरत गा छा, उर्दू के खूबसूरत लिख छा, तुम्हार जदो तारीफ करी जाओ उर्दू बाबा कम छू तो तो तुम तो इतने सुंदर गायक सब आओ बहुत प्यार गा छा। मैं तुम्हारे तो सामने में, तुम्हारे सामने में ना के नहीं तान कर रही। हम हमेशा ही बाबू कोशिश ना रहूं बहुत कि बहुत प्रिय सीखते गाथा तुम रून, बहुत। सीखते रून। तो नारायण मतोलिया जी पूछन लाग रही अंकल जी, और मी देख रही कमेंट हमारे बॉक्स में कि बहुत लोग ऐसे जो यह एक सवाल पूछन लाग रही कि लेकिन सब पवनदीप दाते हैं जी प्यार करनी और उन्हें ख्याल करनी, उन्हें चिंता रू। तो यह लिखनी कि हाँ पवनदीप इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपना गाना गाएगा, ये है उसकी प्रसिद्धि। अभी उसकी तबियत ठीक नहीं है, और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें तबियत ठीक छो कि नहीं। कबे हमारे दर्शकों के तुम एक तसल्ली अरे कर दियो, बता दियो कि उन्हें तबियत कश छो। अरे अरे जी सपोला तसल्ली था। अब 70, 80, 90 दशक का गाना, वो 96 सन में पैदा है रो पवन, 96 में। बाबू जी उला गौना में 5 5 6 6 गाना एक एपिसोड में। ब्याल याद जी ले कर्न पड़ता, नंदिनो थक गयो बुखार आया छे 2 दिन। त जे दिन तो जी एपिसोड शूटिंग होन लग रहे थे, मैं वहीं बंबई थी हूँ, बुखार आ गयो पवन अच्छा ला। तो अब वो खून टेस्ट करना खिला ले गया ना, खून टेस्ट अच्छा कर अच्छा ला, अच्छा कोविड है शिकायत तो नाथ जी नहीं जी कबर। उला अलग बिल्कुल रूम में बैठा है, अब वो नंबर आ गयो। तो पवन का मैं यहीं बैठे गिटार में गानों पे रिपोर्ट ऑन अच्छा तक सब अच्छा गा रहा। हाँ हाँ पवन हाँ बिल्कुल सुरक्षित था, सब 33 करोड़ देव देवता नो आशीर्वाद से पवन बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल, था। अभी और लाइव शो में हमेशा धमाल ऋण चे देखा तो मन से सब आशीर्वाद। बिल्कुल, यो हमें देव खाली देवताओं का यूट्यूब पर आशीर्वाद छो और हमारे फेक प्यार न्यूज लग। सर्वर जी जी उत्पन्न लिखना ना, उसके नाते पवन जी बिल्कुल स्वस्थ था, सब तुम लोगों नो आशीर्वाद। बिल्कुल, और यही कामना कर लूं कि उस स्वस्थ रोल और यसी के हमारे जो पहाड़ का नाम रोशन करा लो, जीत बयाल। और बिल्कुल यह सिर्फ एक शौक बात नहीं है, यह एक सिर्फ प्रतियोगिता की बात नहीं है, वो हमेशा ही हमारे जो छो कॉलर थर्ड कराल, यही हम के पूर्व बिल्कुल आशा छो और बाबा हमारे बिल्कुल शुभकामना ले छो। जी बिल्कुल बाबा।